नमस्कार शिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबके इस खास हमारे सेल्फी सेगमेंट वीडियो आचार संतोष संतोष। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किन राशि वाले के जीवन में औरों का प्यार छक के बरसता है, जम के मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्यार के मामले में अनलकी लोग कौन है, दुर्भाग्यशाली कौन है, जो चाहते तो हैं बहुत प्यार देना लेकिन भैया इनकी किस्मत में बहुत प्यार नहीं है। जिसे पसंद करेंगे वो पता नहीं किन कारणों से इनसे दूर हो चला जाता है, इनके करीब नहीं आना चाहता। और ऐसी स्थिति में जीवन जीना कितना कठिन होता है ये प्यार में निराश व्यक्ति ही समझ सकता है। हर किसी के वश में नहीं है कि इसको समझ पाए। युवावस्था आते आते, 16-17 साल की अवस्था आते आते जब हृदय की धड़कने स्पंदित होती हैं, किसी अपने की चाह में निगाह दौड़ने लग जाती है, वो चाह के निमित्त दौड़ती निगाह अपने परिवार से शुरू होकर के कॉलेज के दोस्तों तक पहुंचती है, फिर साथ में काम करने वाले कोलीग्स तक पहुंचती है, लेकिन वो निगाह कहीं रुकती नहीं क्योंकि किसी की भी निगाह में वो प्यार और समर्पण नहीं होता जो इनकी निगाह में है। तो एक प्रश्न उठता है कि हम इतने अभागे क्यों, हम इतने दुर्भाग्यशाली क्यों। अब इस क्यों का उत्तर तो स्पेशली प्रकृति जाने, आपका प्रारब्ध जाने, लेकिन है कुछ ऐसा कि आपको मिलेगा नहीं। आप लाख हाथ पांव चला लीजिए, लाख प्रयास कर लीजिए, कोशिशें कर लीजिए, मिलेगा नहीं, अधूरापन रह ही जाएगा। तो सबसे पहली वो राशि है जिसके जीवन में प्यार का, समर्पण का भाव सबसे कम आता है। सामने वाला एक स्वार्थ के साथ कनेक्ट होता है और जल्दी ही आंखों से वो पर्दा उतार जाता है। वो पहली राशि है मेष। मेष राशि के लोग लाख प्रयास कर ले लेकिन इनको कभी भी आइडियल लव नहीं मिल पाता है। प्रेम में निराशा इनकी नियति ऐसे बन जाती है, इनका भाग्य बन जाता है। वजह क्या है? पंचम भाव जो प्रेम का है वहां पर मेष वालों की राशि से सिंह राशि पड़ती है जो कि अग्नि है, प्रेम को अग्नि जला देता है। तो मेष वालों के जीवन में क्षणिक आकर्षण किसी के साथ हुआ और खूब गुस्सा गुस्सी होकर के, खूब क्रोध में आकर के, आवेश में आके, तैश में आके रिश्ते को खत्म कर दिया, भंग कर दिया, तोड़ दिया, कुछ नहीं कर दिया। दूसरी राशि है सिंह। सिंह राशि के साथ भी यही दुर्भाव रहता है, यही दोष रहता है, यही दिक्कत रहती है कि आपकी भी राशि से पंचम भाव में धनु राशि बनती है जो कि अग्नि तत्व की राशि है, तो आप जबरदस्ती का एक आइडियोलॉजी थोपने लग जाते हैं अपनी प्रेमिका पर या अपने प्रेमी पर अगर आपकी सिंह राशि है। अब कोई प्यार करे तो जैसा है वैसा करे, अगर बदल के किया तो प्यार कहां किया। एक फिल्मी डायलॉग है ना, शायद मोहब्बत पिक्चर में है ये, अगर बदल के प्यार किया तो प्यार कहां किया, वो तो सौदा किया, और प्यार में सौदा नहीं होता। प्यार सिर्फ त्याग जानता है, सैक्रिफाइस जानता है। तो सिंह राशि वाले भी बहुत भाग्यशाली नहीं होते इस मामले में, उनका भी दुर्भाग्य ही इस मामले में रहता है कि उनको भी अच्छा प्यार नहीं मिलता। और तीसरी राशि बनती है मिथुन। मिथुन राशि से पंचम राशि जो बनती है, प्रेम भाव की जो राशि बनती है वो बनती है तुला। और तुला की स्थिति इसलिए बुरी होती है क्योंकि पंचम से अष्टम का भी कारक शुक्र होता है, तो जो प्रेम देता है वही प्रेम को सोख लेता है, खत्म भी कर देता है, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो मिथुन राशि वाले भी इस मामले में अनलकी होते हैं, प्यार इनको भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। और चौथी राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले भी इस मामले में अपने आप को अभागे ही पाएंगे क्योंकि यहां पर भी स्थितियां आपके बहुत करीब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। कुंभ राशि वाले भी थोड़ा अस्थाई प्रेमी नहीं होते, एक भौंरा टाइप का व्यवहार होता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां मंडराते रहते हैं और असली की चाह में नकली पा जाते हैं। तो ये चार राशि वालों के जीवन में भी प्यार का अभाव बना रहता है। अब हम पता है हमें कि आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद अब कहेंगे कि आचार्य जी, गुरु जी, उपाय भी बता दीजिए कि इन राशि वाले लोग बेचारे करें तो क्या करें, इनके लिए उपाय क्या है। तो भैया उपाय कुछ नहीं होता है,
वास्तविकता यह है कि प्रेम हमारे यहां छुपा हुआ एक विशेष प्रकार का सोच है, एक फ्रेम है। प्रेम हम अगर करते हैं तो हम करते हैं, प्रेम अगर हम चाहते हैं तो हम गुनहगार हैं। इन माय ओपिनियन, ये मेरी सोच है। प्रेम सिर्फ किया जाता है, प्रेम चाहा नहीं जाता। सूत्र पर आइएगा, हम जब जो है काउंसलिंग के सेशन लेंगे तो इन विषयों पर हम बहुत गहरी चर्चाएं करेंगे आपसे। एक एक पंक्ति में हम आपको सूत्र देते जाएंगे जिसको आप यहां पर बैठा लेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे किसी भी विषय को लेकर। बहुत जल्द हम वो काउंसलिंग सेशन आरंभ करेंगे, एक नया नंबर डालेंगे उसके लिए जिसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो सिर्फ यूथ के लिए रहेगा, 15 साल से 25 साल तक के लोगों के लिए। तो प्रेम हम चाह नहीं सकते, प्रेम हम सिर्फ कर सकते हैं। तो मेष, सिंह, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए, जिनको जिनके जीवन में प्रेम का कमी रह जाता है कहीं ना कहीं से, ऐसे लोगों से बस हम यही कहेंगे उपाय के तौर पर कि आप एक आदर्श प्रेमी स्वयं बनिएगा, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा, प्रारब्ध पे छोड़ दीजिएगा। उपाय तो जीवन भर हम बताते ही रहेंगे, अभी बहुत लंबा जीवन है। फिलहाल के लिए अब बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। प्रसन्न रहिए, मगन रहिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए और जब के सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, श्री राधे।